झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन था, जहां पर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार नियोजन नीति, स्थानीय नीति के मुद्दे को लेकर के राज्य सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। तो हमने इसको लेकर के जब सत्ता पक्ष के विधायकों से बातचीत की, मंत्रियों से बातचीत की, तो उनका क्या कुछ कहना है हम आपको पहले वो सुनाते हैं कि वो आखिर क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। अरे इन लोगों ने शर्म हया सब एक ताक पर रख दिया है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। आज आप लोग मीडिया के साथी हैं, आप लोगों ने आज का अखबार भी पढ़ा होगा, सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है, कितना इन्हें तो अगर जरा से भी शर्म है, जरा सी भी इनमें नैतिकता है, तो इन्हें अपने प्रधानमंत्री, अपने गृह मंत्री का इस्तीफा मांगना चाहिए। अगर ये सच्चे नागरिक हैं देश के और राजनेता हैं तो, और जो स्थितियाँ बनी हुई हैं पूरे देश में, अराजक स्थिति बनी हुई है, सांप्रदायिकता की आग में झोंका जा रहा है पूरे देश को, जातिवाद की आग में झोंका जा रहा है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, और ये लोग इस तरह के घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, तो अब तो समय आएगा, 2024 बहुत निकट है, और इन्हें सब कुछ जनता दूध का दूध और पानी का पानी फिर उसको तो कि इन्होंने शर्म हया लाज लज्जा सभी कुछ ताक पर रख दिया है। इन लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि हम लोगों ने 1932 आधारित खतियानी आधारित स्थानीय नीति हम लोगों ने लागू कर दी थी विधानसभा में, और महामहिम राज्यपाल इनके द्वारा, इनके जो आका बैठे हुए हैं दिल्ली में उनके द्वारा नियुक्त किए गए हैं, वो कुंडली मारकर क्यों बैठे हुए हैं उस पर इन्हें जवाब देना चाहिए। हम लोगों ने तो सब कुछ कर दिया, हम लोगों ने राज्य हित के लिए अनेकों कदम उठाए, लेकिन इनके द्वारा ये दो मुहा सांप है। विधानसभा में इन्होंने समर्थन किया और बाहर आकर उसका विरोध, इनके महामहिम उस पर कुंडली मारकर बैठ गए। तो ये सारी चीज़ें जनता देख रही है और जनता समय पर जवाब देगी। सर ज्ञान राती नीति हमने बना दिया, लेकिन आज आरोप लग रहे हैं कि जब नीति ही स्पष्ट नहीं है तो 26,000 शिक्षकों की बहाली कैसे लेगी सर? 26,000 शिक्षकों की बहाली बिल्कुल क्लियर है, मैंने पहले भी कहा है, अमित शाह जी के भाषण जो बातों में जो क्रोनोलॉजी का वो बात करते हैं, क्रोनोलॉजी भाजपा को समझना होगा। 26,000 शिक्षकों में 50% जो आरक्षण है, 50% जो है सीट्स वो पारा शिक्षकों के लिए है, उसमें अधिक से अधिक आपके स्थानीय लोग आते हैं, 60% आरक्षण है उसमें आपके स्थानीय लोग आ रहे हैं, बचा अगर 3,000 है जिसमें अगर बाहरियों को मिल रहा है तो आप देख लीजिए कि 90% से भी ज़्यादा हमारे लोग उसमें आ रहे हैं। अगर उनका कहना है कि आने वाले समय में 26,000 शिक्षकों की बहाली फिर कोर्ट जाएगी, फिर निरस्त होगी क्योंकि सीटें ऑलरेडी ये अपना दिमाग लगाएंगे और अपने चेलों को वहाँ भेजेंगे, तो ये कोशिश तो ज़रूर रहेगी, मगर हमारा भी कोशिश रहेगा कि लोगों को जो हम लोग ने नियुक्ति वादा किया है उसको हम देख रहे हैं। सीटेड वाले अभ्यर्थी जो हैं उन्होंने स्टे पिटीशन फाइल किया हुआ क्योंकि उन लोगों को मौका नहीं मिल रहा है। देखिए हमने इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात किया है कि सीटेड को अगर अकोमोडेट किया जा सकता है, बाकी ये माननीय मुख्यमंत्री और कैबिनेट का डिसीजन रहेगा। देखिए उनके पास मुद्दा नहीं है, विपक्ष हमेशा कोशिश कर रही है मुद्दा ढूंढने का, लेकिन जो वहाँ पे जहाँ पे वो खुद फेल है वहाँ पे अगर वो उस तरह की बातें करेंगे तो बिल्कुल उनको शोभा नहीं देगा क्योंकि हमारी सरकार उस पर काम कर रही है। देखिए सारी बातें देखिए एजी के तहत भी है और सारा लॉ डिपार्टमेंट से होके आता है, सारा प्रस्ताव जो कैबिनेट से पास होता है वो लॉ सेक्रेटरी भी उसको देखते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये सारा चीज़ अप्रूव होने के बाद ये सारा चीज़ हुआ है और जो लोग छूट गए हैं इसमें, हम लोग तो इसमें संवेदनशीलता और मानवता और हमारे जो छात्र हैं, हमारे जो युवा हैं राज्य के, वो पीछे ना रह जाए, उनको भी मौका मिले, उसके लिए अब सरकार के संज्ञान में सारा चीज़ डाला गया है, उस पर बिल्कुल डाल दिया है। और आप लगातार देखिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ के राज्य हित के लिए जो भी आवश्यक चीज़ें हैं उस पर गंभीरतापूर्वक, संवेदनशीलता पूर्वक उस पर विचार करके आगे कदम बढ़ा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से खुद मिलाऊंगी ताकि वो भी अपनी बातों को डायरेक्ट रखने का काम करें, मैं भी उनकी बात रखूंगी। स्लोगन पढ़ रहे हैं जो देखिए उस जवाब को ध्यान से आप पढ़िए, हम आपको वो जवाब सौंप देंगे। सब चल जा रहे हैं, जितना हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, हमारे विभिन्न जिलों से जिला अध्यक्ष हैं, कार्यकर्ता सभी लोग जा रहे हैं।
इस बार मंत्री जी सूखा ग्रस्त की मांग कर रहे हैं विपक्ष, अभी सही प्रदर्शन कर रहा है, बारिश हो रहा है, कहना है कि पिछले बार का जो सूखा ग्रस्त घोषित हुआ था उसमें किसानों को मुआवजा नहीं मिला, सबको जो उचित सरकार का जो मानदंड था सभी को खाते में पैसा गया। नियोजन नीति को लेकर घिरने वाले हैं, नियोजन नीति हम लोग जल्द घोषणा कर रहे हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पर सत्ता पक्ष के विधायकों और मंत्रियों को सुना, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि हम लोग राज्य में नियोजन नीति बनाना चाहते हैं और लगातार इसको लेकर के तैयारियां भी चल रही हैं। 1932 खतियान की लगातार लोग बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर 26,000 शिक्षकों की बहाली को लेकर के भी उनका कहना है कि यहाँ पर उनके द्वारा ये सारी चीज़ें की जाती है कि बहालियों को किस तरीके से रोकाया जाए, इन तमाम चीज़ों को लेकर के उन्होंने अपनी बातें रखी। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, सहयोगी विशाल के साथ मैं पूजा, लाइव इंडिया रांची।